बड़ी खबर कन्नौज से सामने आई है, जहां चोर बने चार छात्रों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा। चारों दोस्त छात्र रेकी कर पहले तय करते थे टारगेट। बता दें, आधी रात के बाद घर में घुसकर चोरी को देते थे अंजाम। वहीं एसओजी प्रभारी कमल भाटी सर्विलांस और कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तिरवा के घर में 3 मई को की थी चोरी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और कैश पर करते थे हाथ साफ। वहीं पकड़े गए चोर ठटिया और तिरवा के सुखापुरवा के रहने वाले हैं। सुखापुरवा का विवेक ठटिया के शिवम, अर्पित और करण के साथ मिलकर करता था चोरी। रेकी करने के लिए तिरवा में ही चारों ने किराए पर लिया था कमरा। वहीं चोरी का सामान बेचकर पूरे करते थे अपने शौक। पुलिस की तीनों टीमों ने सुखापुरवा में छापा मार कर की गिरफ्तारी। 3 मई 2024 को थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत अवंतीबाई नगर में एक घर में रात्रि में चोरी हो गई थी। उस चोरी में लैपटॉप और टैबलेट और नगद पैसा चोरी हुआ था। आज एसओजी टीम और सर्विलांस टीम और थाना तिरवा टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए चार चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से उक्त चोरी का टैबलेट जो चोरी हुए थे वो भी बरामद हुए, साथ ही लैपटॉप भी बरामद किया गया। इनके द्वारा अन्य जो 3 मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए थे वो भी बरामद किया गया और साथ ही 13,500 रुपये की बरामदगी की गई है। ये चोर विवेक थाना तिरवा का रहने वाला है। इसके अलावा शिवम, अर्पित और करण ये थाना ठटिया के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लोग थाना तिरवा में किराए पे मकान लिए हुए थे और जिन घरों में चोरी करनी होती थी उनको चिन्हित कर लेते थे, वहाँ पे ये लोग चोरी करके इसको आगे बेचते थे। इनकी आज गिरफ्तारी की गई है और इनको आज गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है।